अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। देखिए, मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि राइस से बनती है। स्वीट राइस भी बोलते हैं हम लोग, तो इसको जर्दा बोलते हैं, जो कि त्योहारों में, फंक्शन में, शादियों में हम लोग बनाते हैं। तो इसीलिए मैं भी आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी बना के इसके जायके का मज़ा लें। तो ये रेसिपी बहुत ही आसानी से मैं बना के आपको बताऊंगी ताकि आप भी बना सकें। बहुत जल्दी भी बन जाती है मेरे तरीके से अगर ऐसे बनाएंगे तो। तो चलिए, रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो बनाते हैं शादियों वाली जर्दा। जर्दा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर पानी, 2.5 ग्लास बासमती राइस लिया है मैंने यहाँ पे, और शुगर, शुगर जिस ग्लास में मैंने 2.5 ग्लास राइस लिया है उसी ग्लास में मैंने 1.5 ग्लास शुगर को लेके यहाँ पे पीस लिया है। पिसी हुई शुगर हम डालेंगे, आप चाहें तो वैसे ही डाल सकते हैं, लेकिन पिसी हुई शुगर अगर डालेंगे तो जर्दा अच्छा खिला खिला बनेगा और जल्दी शुगर मेल्ट हो जाएगा। 1 कटोरी कच्चा नारियल चाहिए हमें, और ड्राई फ्रूट्स में काजू और सिर्फ किशमिश। उसके बाद रेड कलर चाहिए हमें, फूड कलर, रेड कलर लिया है मैंने, और यहाँ कुटी हुई इलायची, हरी इलायची। और मैं यहाँ पे वनस्पति में बना रही हूँ क्योंकि मुझे घी का टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप चाहें तो घी पे भी बना सकते हैं। हमें चाहिए 200 ग्राम वनस्पति। गैस ऑन करके मैंने एक पतीला रख लिया है बड़ा सा। अब इसमें हम अपना 1 लीटर पानी डाल लेंगे। हम सबसे पहले राइस को बॉईल करेंगे, उसके बाद हमारा जर्दा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो राइस बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी डाल दिया है। ये बॉईल होते ही हम इसमें अपना राइस डाल लेंगे। देखिए, पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम अपना राइस डाल देंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के 15 मिनट पहले भिगा दिया था। अब ये साफ पानी है, पानी के साथ ही हम इसको डाल देंगे राइस को। इसको ऐसे हाई फ्लेम में ही हमको पकाना है। अब इस राइस को पकने तक हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा हार्ड ही रखेंगे। उसके बाद हम जब जर्दा बनाएंगे उसमें ही वो दम में पक जाएगी हमारा चावल, तो इसको अब पकने देंगे। देखिए, चावल में बॉयल आ रहा है। अभी इसी टाइम में ही हमें अपना रेड कलर डाल देना है। इसको डाल के अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि हमारा जर्दा अच्छा कलर वाला, कलरफुल बनेगा। अब इसको इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं हमारा राइस। इस तरह से हाथ पे एक राइस लेके ऐसा देखें, ज़्यादा नरम करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही चाहिए हमें। अब हम इसको छान लेंगे, चावल को पानी अलग कर देंगे। देखिए, हमने छान लिया है अपना राइस, अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। गैस ऑन कर लिया है मैंने, गैस पे वही पतीला रख दिया है धोके मैंने। अब इसी में हम बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा पतीला गरम होगा हम इस पे अपना घी डाल देंगे। गरम हो चुका है पतीला, अब अपना घी डालेंगे हम इसमें। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा घी बचा लिया है, इतना में ही हमारा हो जाएगा। 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने निकाल लिया है। अगर आप देसी घी का बना रहे हैं तो आपको पसंद है तो आप भर भर के घी डाल सकते हैं, हमारा इतना में हो जाएगा, तो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ। जैसे ही ये वनस्पति मेल्ट होगा हम इसमें अपना काजू डालेंगे। चलिए, ज़्यादा गर्म करेंगे नहीं, बस काजू डाल देंगे, इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम रखें। उसके बाद इसमें डालेंगे नारियल, इसको भी 2 मिनट फ्राई कर लेंगे।
नारियल को अगर इसका फ्राई कर लेंगे तो हम इसको एक हफ्ते तक रख के गरम करके खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसको थोड़ा फ्राई करके हम अपना किशमिश डालेंगे, किशमिश डाल लेंगे। इसको एक मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद अपना फ्राई कर। हटा लेंगे राइस, इसको हटा देंगे, मीडियम में रखेंगे फ्लेम। राइस डाल दो, इस तरह से डालेंगे थोड़े राइस। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा ऊपर कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे। इस तरह से करने से हमारा शुगर अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा और हर तरफ से शुगर फैल भी जाएगा पूरे राइस में। फिर हम इस क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ा राइस रखेंगे इस तरह से। उसके बाद अपना शुगर पूरा डाल लेंगे। अच्छे से फैला देंगे इसको, उसके बाद पूरा राइस डाल लेंगे। इस तरह से राइस को फैला लेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में 5 मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए शुगर हमारा मेल्ट हो चुका है। इस तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे हम, जब देखो तो फ्लेम ऐसे ही हाई मीडियम टू हाई रखें, स्लो ना करें। इस तरह से अच्छे से हिला लेंगे। इस तरह से और 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे इसको, चेक करेंगे। देखिए अब हाई कर लेंगे अपना फ्लेम, थोड़ी देर इस तरह से हिला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक जगह ऐसा करके फ्लेम को स्लो कर लेंगे, लीड बंद कर देंगे और इसमें एक भारी सा चीज़ कुछ भी रख देंगे दम के लिए। ऐसा मेरे पास ये था तो मैं ये रख रही हूँ, आपके पास कोई भी वजनदार चीज़ हो आप रख सकते हैं। इसको ऐसे रख दे के फ्लेम स्लो कर लेंगे, उसके बाद 5 मिनट बाद हम बंद कर देंगे अपना गैस। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इसको हटा के अपना इलायची पाउडर डाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है हमारा जर्दा, आप कभी भी बना सकते हैं इसको इतनी आसानी से। देखिए मैंने इसमें छिलका हटाया नहीं है क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो हटा सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अगर आप जर्दा बनाएंगे तो आपका जर्दा भी ऐसा ही परफेक्ट जर्दा बनेगा, खिला खिला, एक भी राइस एक दूसरे को नहीं चिपकेगा, ऐसे ही बनेगा आपका जर्दा। अब इलायची पाउडर डाल के हम अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम एक प्लेट में निकालेंगे। चलिए डिश आउट कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम एक प्लेट में निकालेंगे। ऐसे बनाए मेरे स्टाइल में जर्दा, झटपट बन के रेडी होता है। और इसको आराम से फ्रीज में रख के गरम करेंगे, खाएंगे ताज़ा ताज़ा, ऐसे ही फ्रेश दिखेगा।
आइए इसको थोड़ा गार्निशिंग कर लेंगे हमारे कोकोनट से। हमारा जर्दा बन के रेडी है, देखिए मैंने इसे गार्निशिंग भी कर लिया है। ये देखने में जितनी ही खूबसूरत लग रही है, खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। ज़रूर ट्राई करें आप एक बार बना के, और मैं मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर एक रेसिपी के साथ मिलती हूँ आपके पास दोबारा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।